चल इसी पर हम चर्चा करेंगे, अपराध पर जो डायरेक्ट अटैक हो रहा है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए, अपने मेहमानों का मैं जल्दी से परिचय करा दूं। प्रशांत उमराव है, प्रवक्ता है बीजेपी के। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी। एके जैन है, पूर्व डीजीपी। विशाल रघुवंशी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से रहेंगे। लेकिन जैन साहब, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाह रहा हूं, और माफी के साथ जैन साहब आप भी डीजीपी रहे, मुझे नहीं लगता कि आपके राज में भी इतनी बड़ी कार्रवाई, इतना डबल अटैक रहा होगा क्राइम पर यूपी के अंदर, तो खासकर मैंने आज तक नहीं देखा। 2017 से लेकर 2022 तक जिस तरह भूमाफियाओं की संपत्ति है उनको कुर्क किया जा रहा है, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, चुन चुन कर मारा जा रहा है, वह लोग पलाय भाग रहे हैं, लोग थाने में सरेंडर कर रहे हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, शायद ऐसा दौर मैंने तो कभी नहीं देखा यूपी का। सर नहीं, आपका कथन सत्य है। कुछ चीफ मिनिस्टर्स ने मेरी सर्विस के दौरान भी टफ डिसीजंस। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर अच्छे कार्य हुए और एंटी डकैती ऑपरेशंस चले थे जब विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और जो बीहड़ के क्षेत्र हैं उनमें बहुत दस्यु बड़ी संख्या में मारे गए थे। इसी प्रकार जब पहला टेन्योर था कल्याण सिंह जी का, उन्होंने 91 में बड़े सख्त कार्रवाइयां अपराधियों के विरुद्ध हुई थी, तो समय समय पर होती रही हैं, ऐसा नहीं है। और पर ये जो इस बार जो संपत्तियां जब्त हो रही हैं, जो माफियाओं का बहुत ज़्यादा मन बढ़ गया था, उन्होंने अकूत संपत्तियां मैं अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम बनानी शुरू कर दी थी। ठेकों पर एक प्रकार से उनका कब्जा हो जाता था, उनकी पत्ती रहती थी उसमें। ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, सरकारी जमीनों पे कब्जा करना, एनिमी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है आलिशान भवन बना लेना, तो ये जो इस बार जो योगी जी ने एक कंबाइंड एफर्ट किया है कि ना सिर्फ पुलिस, नगर निगम, डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिला प्रशासन सब चिन्हित कर रहा है ऐसी संपत्तियों को। बिल्कुल चिन्हित करा, और ये एक बड़ा कदम है। मैं आऊंगा, लौटूंगा जैन साहब। कपीश श्रीवास्तव जी, कपीश जी इसमें तो तारीफ कर दीजिए कि अच्छा काम कर रही है सरकार। अब आप कह रहे हैं तो जबरदस्ती कुछ ना कुछ, नहीं तो जबरदस्ती नहीं, मैं तो आंकड़े, देखिए जैन साहब भी बोल रहे हैं और आंकड़े भी बोल रहे हैं, और कार्रवाई रोज आती कीमत की, देखिए करीब 230 करोड़ की संपत्ति एक तरफ, किए गए आंकड़े अपने खुद के पीठ ठोकने। हाँ जयप्रकाश भाई, अपने मुंह मिट्ठू बन रही है सरकार। अभी देखिए कितनी अच्छी अच्छी बात डिप्टी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अब बहन बेटियों का निकलना कितना आसान हो गया है, ये सारी चीजें। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि अब वही सब काम इनके अपने नेतागण कर रहे हैं, और चिन्मयानंद जी कर रहे हैं, और बहन बेटियों से तेल मालिश करवा रहे हैं, यौन अत्याचार कर रहे हैं, और उसके बाद उनके ऊपर से योगी सरकार उठा ले रही है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।